भारत में अजूबों की कोई कमी नहीं है। यहाँ आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिनका आज तक कोई खुलासा नहीं कर पाया है, जिनके होने का या ना होने का कोई भी नहीं जान पाया। इन्हीं में से एक है अमरनाथ का शिवलिंग, जिसकी जानकारी आपको अमरनाथ यात्रा वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अमरनाथ भगवान शिव के प्रमुख स्थानों में से एक है। यहाँ की प्रमुख बात यह है कि यहाँ पर उपस्थित शिवलिंग स्वयं निर्मित होता है। स्वयं निर्मित होने के कारण इसे स्वयं शंभु हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। इस शिवलिंग के दर्शन आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर रक्षाबंधन तक प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस शिवलिंग का आकार भी घटता बढ़ता है। इस शिवलिंग की खास बात यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि जिस गुफा से यह शिवलिंग स्थित वहाँ उपस्थित अन्य बर्फ कण हिमकण के रूप में होती है। जिस प्रकार भगवान शिव का शिवलिंग है, उसी प्रकार उसी गुफा में कुछ दूरी पर भगवान गणेश, पार्वती जी तथा भैरव जी के ठोस लिंग बनते हैं। अमरनाथ गुफा में शिव जी ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। इसी कथा को सुनकर सुख शिशु सहोजात सुखदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए थे। जब शिव जी ने यह कथा पार्वती माता को सुना रहे थे, तो ठीक उसी समय उस गुफा में एक कबूतर का जोड़ा मौजूद था। इस कथा को सुनने के कारण वह कबूतर का जोड़ा अमर हो गया। आज भी कुछ भाग्यवान श्रद्धालुओं को इस कबूतर के जोड़े के दर्शन होते हैं, तथा मान्यता तो यह भी है कि जिस किसी को भी इस कबूतर के जोड़े के दर्शन होते हैं, उसे शिव पार्वती स्वयं अपने दर्शन प्रदान करके कृतार्थ करते हैं। इसी गुफा में शिव जी ने माता पार्वती को कथा में अमरनाथ यात्रा में आने वाले समस्त स्थलों का वर्णन किया गया था। यही कथा वर्तमान में अमर कथा नाम से प्रचलित है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाने ले जा रहे थे, तो उन्होंने छोटे छोटे नागों को अनंत नाग में, कपाल के चंदन को चंदनवाड़ी में, पिशुओं को पिशु टोप पर तथा शेष नाग को शेष नाग पर छोड़ा। यह स्थल आज भी अमरनाथ यात्रा के दौरान मार्ग में आते हैं। अमरनाथ यात्रा करने वालों के लिए दो विकल्प मौजूद है। पहला रास्ता पहलगाम से और दूसरा सोनमार्ग यानी कि बालटाल से शुरू होता है। पहलगाम का रास्ता बालटाल की अपेक्षा सरल है, इसलिए सरकार भी दर्शनार्थियों को इसी रास्ते से जाने का सुझाव देती है, क्योंकि बालटाल से जाने वाला रास्ता काफ़ी कठिन है। यहाँ से जाने वालों को कई परेशानियाँ उठानी पड़ती है तथा इस रास्ते में जोखिम भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सरकार इस रास्ते से जाने वाले की जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती। पहलगाम जम्मू से 315 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जम्मू से यात्री बस, ट्रेन या रोड किसी भी माध्यम से आ सकते हैं, तथा जम्मू से पहलगाम तक के लिए सरकारी पर्यटन की बसें उपलब्ध है। पहलगाम की वह जगह है जहां से यात्री अपनी पैदल यात्रा शुरुआत करते हैं। अमरनाथ यात्रा में अन्य तीर्थ स्थानों की तरह पैदल चलने वालों के लिए घोड़े, पालकी की सुविधाएं नहीं होती, परंतु फिर भी वृद्ध लोगों के लिए साधन मौजूद है। पहलगाम से यात्रा शुरू करने पर 8 किलोमीटर की दूरी पर पहला पड़ाव चंदनवाड़ी आता है। यही वह जगह है जहां यात्री अपनी पहली रात गुजारते हैं। रात रुकने के लिए यहां कैंप लगाए जाते हैं। दूसरा पड़ाव हमारा चंदनवाड़ी पर विश्राम करने के बाद यात्री दूसरे दिन पिशु टॉप यानी कि पिशु घाटी की चढ़ाई शुरू करते हैं। वैसे तो प्रथम चरण की यह चढ़ाई ज़्यादा कठिन नहीं थी, परंतु पिशु घाटी का दूसरा पड़ाव शुरू करते ही जोखिम भरा रास्ता शुरू होता है। कहा जाता है कि यही पिशु घाटी पर देवता और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें राक्षसों की हार हुई थी। इसी पिशु घाटी से होते हुए यात्री 14 किलोमीटर चलने पर शेष नाग पर पहुंचते हैं। यही शेष नाग पर नीले पानी की खूबसूरत झील है। इस झील में देखने पर यात्रियों को बादल होने का भ्रम होता है। इसकी लंबाई करीब 1.5 किलोमीटर है। कहते हैं कि आज भी इस झील में शेषनाग रहता है तथा 24 घंटे में एक बार वह नाग बाहर आता है तथा खुश नसीबों को इसके दर्शन प्राप्त होते हैं। यही वह पड़ाव है जहां यात्री अपनी अगली रात्रि बिताते हैं। तीसरा पड़ाव पंचतरणी। तीसरे दिन की यात्रा यहीं से शुरू होती है। करीब 8 मील चलने के बाद पंचतरणी आती है। यहाँ पर 5 जल धाराएं बहती है, इसी कारण इसका नाम पंचतरणी पड़ा। यहाँ का मौसम अपेक्षाकृत ज़्यादा ठंडा होता है तथा यहाँ पर यात्रियों को ऑक्सीजन की भी कमी महसूस होती है। आखिरी पड़ाव हमारा अमरनाथ गुफा। यहाँ से अमरनाथ की गुफा केवल 8 किलोमीटर रह जाती है। यहाँ से यात्रा शुरू करने पर यात्री अगले दिन अमरनाथ गुफा पहुँच जाते हैं।
यात्री यहाँ चाहे तो रात्रि विश्राम करके अगले दिन यहाँ नहा कर शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ यह यात्रा बहुत कठिन है, परंतु शिव जी के दर्शन होते ही सारी थकान मिट जाती है तथा दर्शन के बाद यात्री वापसी के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वापसी में पहले दिन ही यात्री शेषनाग तक का सफर कर सकते हैं। इसी प्रकार यात्री अपनी यात्रा आसानी से पूरी कर पाते हैं। अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा में कौन नहीं जा सकता। अमरनाथ यात्रा में ऐसे मरीज नहीं जा सकते जिन्हें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ज्वाइंट पेन, सांस की बीमारी, मिर्गी के दौरे आदि आते हैं। इसके अलावा 6 हफ्ते से ज़्यादा की प्रेग्नेंट महिलाएं भी इस यात्रा में नहीं जा सकती। इसलिए यात्रा से पहले यात्रियों को मेडिकल टेस्ट कराना जरूरी होता है, फिर उसे पास करने के बाद ही अमरनाथ यात्रा का अप्रूवल मिलता है। 2023 में अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने वाली है और 30 अगस्त तक चलेगी। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।